तो नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग ड्राइंग बनाएंगे दीपिका पादुकोण का पोर्ट्रेट यूजिंग कलर पेंसिल्स। तो मैं इसमें युवा की कलर पेंसिल का उपयोग करूँगा। तो युवा की पेंसिल्स आपको करीब 60 रुपीज़ में 12 शेड्स पड़ेगा और 24 शेड्स आपको 120 में पड़ेगा। तो अगर आपको परचेस करना है तो मैं कहता हूँ 12 शेड्स को खरीद लो। और मैं पेंसिल्स में फन की पेंसिल्स को यूज़ करता हूँ और इरेजर में अप्सरा का यूज करता हूँ। और अगर आपको बेस्ट कलर पेंसिल्स खरीदनी है तो आप स्टैडलर खरीद सकते हो। स्टैडलर और स्टैडलर से भी अच्छी है तो फिर स्टैडलर से भी अच्छी खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो। ये फैबर कैस्टल 9000 और प्रिस्मा कलर। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। और अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कलर पेंसिल यूज़ करते समय कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करें। तो टिप नंबर वन, कलर पेंसिल जब आप यूज़ करते हैं ना दोस्तों, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रेशर नहीं डालना है। कलर पेंसिल को बहुत लाइट चलाना है। को लाइट प्रेशर से कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट प्रेशर का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा डार्क प्रेशर का नहीं यूज, अब हार्ड प्रेशर का यूज़ नहीं करना है आपको। अगर आप लाइट करोगे तो अच्छा होगा, डार्क करोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे कलर पेंसिल यूज़ करते समय। और कलर पेंसिल ज़्यादा से ज़्यादा रफ या स्मूथ पेपर का यूज करें। बहुत ज़्यादा भी रफ नहीं होना चाहिए कलर पेंसिल्स के लिए और स्मूथ भी नहीं होना चाहिए। तो आप मीडियम यूज़ कर सकते हो। मैं कौन सा पेपर का यूज करता हूँ तो दोस्तों वो है हमारा 10 रुपीज़ का कार्ट्रिज पेपर, रफ एंड स्मूथ सरफेस। इसमें आपको दोनों भी मिल जाएंगे, एक रफ आता है एक स्मूथ आता है। तो आप एंग्लो चौक में जा सकते हो, मैंने आपको बोलना है सेंट्रल विश्वी पे दे दो। तो चौक पे एक नवनीत युवा की स्टेशनरी की दुकान है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा यवतमाल में रहते हो तो। तो अब मैं देख सकते ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ। और पहले आपको स्किन टोन्स का यूज़ करना चाहिए। स्किन टोन को पहले आपको लेयर में स्किन टोन कर देना है, फिर सेकंड आपको पिंक कलर का यूज़ करना है। और आउटलाइन बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा लाइट प्रेशर से आउटलाइन बनानी पड़ेगी। और ड्राइंग करते समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग पे फोकस करना पड़ेगा तो ही आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। और अगर आपको अपनी कलर पेंसिल को इम्प्रूव करना है तो रोज़ कम से कम 5 या 10 मिनट तो भी आप ड्राइंग को दीजिए। कम से कम एक क्या बोलते, तो आप कम से कम एक ब्लॉग बनाइए, किसी या कार्टून की ड्राइंग बनाइए, उससे भी आपकी ड्राइंग बहुत इम्प्रूव होगी। तो मैं आपको कहता हूँ यही टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो आपको रेगुलरली ड्राइंग बनानी है तो आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो सकती है। आपको रेगुलर सर्कल ओवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सर्कल ओवल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।